नमस्कार दोस्तों, क्यूकेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोकर स्टार्स इंडिया। कुछ हाल ही में बने ब्रांड एम्बेसडर की तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और विराट कोहली को एडिडास, टोयोटा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फास्ट ट्रैक, नाइक, रेड चीप और TVS बाइक और पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओलंपिक स्टार सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF अमिताभ बच्चन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और सलमान खान को पेप्सी और करंट में ही भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और रोहित शर्मा को स्पेनिश फुटबॉल लीग लालिका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सेकंड, किस राज्य ने COVID-19 संगरोध मॉनिटर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तमिल। कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैं आपको जानकारी देते हैं। COVID-19 एक बीमारी है, एक रोग है, जिसका फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। इसी हिसाब से इसका नाम COVID-19 रखा गया है। यह एक वायरस या विषाणु जनित बीमारी है, जिसके वायरस का नाम शीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। हिसाब से सार्स कोविड 2 बोला जाता है। इसका प्रथम मामला चीन के वुहान शहर में 1 दिसंबर 2019 को देखा गया था। हाल ही में COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है पैथोड डिटेक्ट। इसे पुणे स्थित माइलैब डिस्कवरी की अनुसंधान और विकास टीम ने COVID-19 के लिए पहली बार भारत निर्मित परीक्षण किट तैयार की है। इसे 6 हफ्ते के अंदर इस कंपनी ने तैयार। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ती कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? इसका सही आंसर है DRDO की। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित DRDO भवन है। इसके मोटो की बात करें तो संस्कृत में इसे बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में इसे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बोला जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, और इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसदी रह सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 1966 को हुई थी। यह मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसका क्षेत्र जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र है। इसके अंतर्गत 68 कंट्रीज आती हैं, और इसके प्रेसिडेंट मसात्स सुगु असाकावा जी हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है 2022। यह 15 अगस्त 2021 को यूजीन ओरेगन कनाडा में होनी थी, और इसे 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले टोक्यो के ओलंपिक को भी 1 साल के लिए टाल दिया गया है। कोपा अमेरिका कप, लालीगा और IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी कुछ समय के लिए टाल दिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट ऐप ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है फोनपे। फोनपे की तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके फाउंडर्स शमीर निगम, जो कि CEO भी हैं अभी, और राहुल चारी जी हैं, जो कि को फाउंडर और CTO हैं। यह इंटरनेट और ई कॉमर्स बेस्ड इंडस्ट्री है। बात करें इसके सर्विस की, तो यह पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करती है। इसे कुछ समय पहले ही फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहित कर लिया था। इस हिसाब से इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच 1975 में हुए समझौते के तहत 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना न्यू मैक्सिको US यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। इसका हेडक्वार्टर 1 माइक्रोसॉफ्ट पे वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। बात करें कुछ महत्वपूर्ण पर्सन की,
तो जॉन डब्ल्यू थॉमसन इसके चेयरमैन, सत्य नडेला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो कि एक भारतीय हैं, ब्रैड स्मिथ प्रेसिडेंट हैं, और बिल गेट्स जो कि फाउंडर भी हैं अभी टेक्निकल एडवाइजर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।